बुंडू अनुमंडल के पांच परगना बुंडो थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया घटना कॉलेज मोड स्थित मैनेजर तालाब के समीप की है बबलू साहू के घर घुसकर सोना और चांदी के गहने उड़ा ली गए कीमत करीब एक लाख से अधिक है साथ में दस हजार रुपए नकद उड़ा ली गए घटना 20 नवंबर 2021 की है बबलू साहू अपनी पत्नी को लाने के लिए रांची गए थे घर में बबलू साहू के दो बच्चे थे रांची से बबलू साहू दिन के तीन बजे जब घर लौटे तो घर के अंदर सभी सामान बिखरा हुआ हा, हालत में पाया गया इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय बुंडू पुलिस को दे दी गई पुलिस तुरंत घटना स्थल पहुंचकर जायजा लिए अलमारी भी खुले हालात में था इसका फायदा ने उठाया मामले को लेकर बबलू साहू ने थाना में एफ दर्ज कराया है सोना और चांदी का गहना समेत नगद दस हजार राशि दिन दहाड़े चोरों ने चोरी कर लिया वोटर कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ये भी सारे सामान चले गए बबलू साहू के बच्चे घर में बाहर के खेल रहे थे घर से सटे रास्ते है उस रास्ते में लोगों का आवाजाही लगातार होता है बावजूद चोरों ने हिम्मत जुटाकर घर में घुसे और चोरी कर ली बुंडू थाना में रिपोर्ट लिखवाने के बाद घटना के दूसरे दिन सुबह बुंडू महिला कॉलेज के सामने एक अर्ध निर्माण मकान पर बबलू के नाम पर वोटर कार्ड और आधार कार्ड समेत कुछ कागजात स्थानीय युवकों ने देखा इस अर्ध निर्माण मकान में देखने से प्रतीत होता है कि नसीड़ियों का अड्डा घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर अर्धनिर्माण मकान है इसी जगह में बबलू के नाम पर वोटर कार्ड और आधार कार्ड समेत कुछ कागजात युवकों द्वारा देखने के बाद सूचना बबलू साहू को मिला इसके बाद इसकी सूचना बुंडू पुलिस को दी गई पुलिस घटनास्थल पहुंचकर सभी कागजात को बरामद कर लिया है एक रोल गोल्ड नकली गहना साथ में फेंका हुआ था सभी बरामद करने के बाद पुलिस घटनास्थल से दो युवक से पूछताछ के लिए उठाई गई है वहीं महिला कॉलेज के सामने एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो युवक अर्धनिर्माण मकान घुसने और बाहर निकलने का वीडियो भी कैद हुआ है इधर पीड़ित बबलू और उसकी पत्नी ने भी बैग देख कर पहचान करने का दावा किया है घर से एक बच्चा का स्कूल बैग भी नहीं है इसे कहा जा रहा है कि वह बैग भी दो युवकों के एक युवक बैग को टांगकर पैदल रास्ते से जा रहा है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कुछ हद तक साफ हो गया है इधर पुलिस भी मामले को लेकर गंभीर है जल्द ही चोर पुलिस के पकड़ में आने की संभावना में है इधर दिन दहाड़े हुए चोरी की घटना से चर्चा का विषय बना हुआ है